वेलकम बैक। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो में ये देख लेते हैं कि हम बायूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर अपने डिवाइसेस को किस तरह से रीनेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पर जंप करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद अगर हम डिवाइसेस में आएँ और विंडोज़ पर क्लिक करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमने डिवाइसेस यहाँ पे एनरोल की हैं बायूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर वो तमाम की तमाम यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। और अगर हम यहाँ पर इनके डिवाइस नेम्स चेक करें तो ये डिफरेंट यहाँ पे आपको डिवाइस नेम्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें से आपको ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि आपकी ये डिवाइस आपके किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर हम अपनी एक डिवाइस पे इसको रीनेम करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसका नेम रीनेम करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपने एक डिवाइस देख लेते हैं। उसके लिए मैं अपनी विंडोज 11 डिवाइस पे आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं होस्ट नेम टाइप करके इसका होस्ट नेम चेक कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 6B 7B के साथ एंड हो रहा है। तो हम इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में। तो बेसिकली हमारी सेकंड डिवाइस है जो 6B 7B के साथ एंड हो रही है। इसके बाद हम अपने इस डिवाइस नेम पर क्लिक करेंगे और मैनेज के अंदर प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देंगे। टॉप पे हमारे पास डिवाइस नेम आ रही है और जो भी हम यहाँ पर डिवाइस नेम रीनेम करवाना चाह रहे हैं उसके लिए हम रीनेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमें इसकी कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपनी इस डिवाइस को जब रीनेम करेंगे तो कौन कौन से रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें वो हमें मिनिमम और मैक्सिमम उसके कैरेक्टर्स बता रहा है, लेटर्स बता रहा है और स्पेशल सिंबल्स बता रहा है जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद सिंपली यहाँ पर आकर हम एंटर न्यू नेम पर आ जाएंगे और अपनी इस डिवाइस को नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये सपोज कर लेते हैं हमारी सेल्स डिपार्टमेंट की डिवाइस है और जो भी आप इसको नेमिंग कन्वेंशन देना चाह रहे हैं यहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको sales-w11-01 दिया है। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आप अपने इस डिवाइस को रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं जब वो रीनेम हो जाए या नहीं करना चाह रहे। तो नॉर्मली हमें ये रिस्टार्ट करनी पड़ती है, हम इसको यस कर देते हैं और रीनेम पर क्लिक कर देते हैं। जैसा कि उसने हमारी इस डिवाइस का नेम चेंज कर दिया और रिस्टार्ट भी इनिशिएट कर दिया है। अब हम अपनी डिवाइस पर आते हैं और यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसको इनिशिएट करवाने में, तो हम अपनी इस डिवाइस को सिंक करवा लेते हैं। उसके लिए हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में आ जाएंगे, यहाँ पर हम अकाउंट्स में आ जाएंगे। अकाउंट्स में आने के बाद हम एक्सेस वर्क और स्कूल में आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अपने ये Azure AD यूज़र पर क्लिक करेंगे और इन्फो पर क्लिक कर देंगे। इसको हम स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ पर हमारे पास सिंक की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे ताकि ये मैनुअली सिंक प्रोसीजर स्टार्ट करे और हमारी इस डिवाइस को माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के साथ सिंक करके जो भी इस डिवाइस से रिलेटेड वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है वो लेकर आ जाए और इस डिवाइस पर भी अपडेट कर दे। जब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है मैं वीडियो को पॉज करूँ, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर हम दोबारा इस पर काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर रहा है कि योर डिवाइस अबाउट टू बी साइंड आउट। तो यहाँ पर ये अभी आफ्टर 3 मिनट्स अगेन मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा और हमें ये कहेगा कि जो भी आपने यहाँ पर अपनी फाइल्स वगैरह सेव करनी है आप उसको सेव कर लें। तो हमें फर्दर यहाँ पे 3 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। इस मैसेज को मैं क्लोज कर रहा हूँ और मैं अगेन इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, दोबारा मैसेज प्रॉम्प्ट होता है तो हम फिर इसको देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो चुका है। अब आफ्टर 2 मिनट्स हमारी ये डिवाइस रिस्टार्ट हो जाएगी, तब तक हम इसका वेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ये डिवाइस अब रिस्टार्ट हो रही है और जैसे ही रिस्टार्ट होके आती है तो हम फिर इसमें चेक करते हैं कि आया उसने इसका नेम चेंज किया है या नहीं। अभी हमारी डिवाइस रिस्टार्ट होके आ चुकी है, इसको हम दोबारा से लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम होस्ट नेम टाइप करके हिट एंटर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने सक्सेसफुली हमारी इस डिवाइस का नेम चेंज कर दिया और इसका नेम हमारे पास sales-w11-01 शो हो रहा है।